और शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे ने लिखी डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी। शिंदे ने चिट्ठी में खुद को बताया शिवसेना नेता, विधायक दल का नेता, और शिंदे की चिट्ठी पर कथित तौर पर शिवसेना के 37 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। चिट्ठी की कॉपी शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी भेजी है, यानी अपनी तरफ से जो एक प्रमाणिक दावा करने की बात कह रहे हैं शिंदे, उसके लिए उन्होंने ये पेपर्स भी आगे बढ़ा दिए हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दीपेश भी जुड़े हुए हैं, एक एक सवाल हम लेंगे। सबसे पहले अभिषेक, जरा जल्दी से इसको भी बताइए कि ये जो दावा है शिंदे का, चूंकि बात अब अपने अपने दावे की है, तो शिंदे का दावा भी उसी तरीके का है जैसा उद्धव का है। इस वक्त अगर स्टेटस की बात करें तो दोनों के स्टेटस बराबर है। देखिए, ये दोनों ही दावे हैं और इन दोनों ही दावों की जो पड़ताल है वो इस समय डिप्टी स्पीकर कर रहे हैं। हमने उनका कल इंटरव्यू किया था, हमने उनसे ये डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात भी पूछी थी, तो उन्होंने कहा था डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अभी नहीं कह सकते, लेकिन उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो जितने भी उनके पास दावे किए गए हैं उसमें जो सिग्नेचर है एक एक चीज़ जो मिलाएंगे, और उन्होंने ऑलरेडी जाँच शुरू कर दी है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये मामला डिप्टी स्पीकर के कोर्ट में अभी है, लेकिन ये कानूनी पेचीदगी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है दीपेश, जल्दी से एक जानकारी दे दीजिए। अभी पता चला है कि संजय राउत की मुलाकात होनी है शरद पवार से। इस वक्त जो परिस्थितियां हैं उद्धव ठाकरे को लेकर के, क्या लग रहा है एनसीपी शरद पवार खेवनहार बन पाएंगे उद्धव सरकार के, बचा पाएंगे क्या? जी, आज तीसरा दिन है और लगभग बैठकों का दौर जो है वो आज भी शुरू है। संजय राउत जो हैं वो शरद पवार से वाईबी चौहान सेंटर में मिलने वाले हैं, आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। कल संजय राउत के बयान पर दोनों पक्ष जो थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने अपनी नाराजगी जताई थी और इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन शरद पवार ने संजय राउत का बचाव किया था शाम को जब एक पत्रकार परिषद उन्होंने ली थी, और संजय राउत और शरद पवार के बीच में इसी को लेकर आगे चर्चा होगी कि आगे की रणनीति उनकी क्या होनी चाहिए, कैसे अपने विधायकों को वापस लाया जाए, कैसे सरकार को बचाया जाए।